काफी डेथ्स और हादसों के चलते लोगों को मजबूरन वो बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। सबका कहना था कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, वो एक शापित बिल्डिंग है। खास तौर पर रूम 501 में आग वाला इंसिडेंट और रूम 705 के सुसाइड के बाद से तो ये पक्का हो चुका था। दोनों ही इंसिडेंट में औरतों की मौत हुई थी। 49 साल की एक अधेड़ उम्र की औरत खाना बनाते हुए पल्लू में आग लग जाने से उसकी जलकर मौत हो गई थी। दूसरी ओर एक 27 साल की लड़की ने किसी अननोन रीजंस के चलते टेरेस से कूदकर अपनी जान ले ली थी। तब से वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। लोगों का कहना है कि जो कोई भी उस बिल्डिंग में जाता है उन्हें एक जली हुई औरत दिखाई देती है। पास की ही बिल्डिंग वालों का कहना है कि उन्हें एक लड़की टेरेस के पैराफिट पर रात को चलती हुई नजर आती है। बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके वहां वॉचमैन भी लगाया ताकि कोई बाहर का उस बिल्डिंग में ना जा सके, पर कोई भी वॉचमैन 2-3 दिनों से ज्यादा वहां नहीं टिका। उनका कहना था कि रात को उन्हें औरतों की चीखें सुनाई देती थी। मुझे और मेरे फ्रेंड को ये भूत प्रेतों वाली बातें काफी पसंद है। एक रात सुशील मेरे घर पर नाइट ओवर के लिए आया था। कुछ 2-3 बियर पीने के बाद हम अपने अपने कुछ भूतों के इंसिडेंट्स शेयर कर रहे थे। हम दोनों को पता था कि हमारी कहानियां सच नहीं है। हमने बातों बातों में डिसाइड किया कि हम वो हॉन्टेड बिल्डिंग में जाएंगे। हमने एक दूसरे से शर्त लगाई कि देखते हैं हम में से कौन ज्यादा ब्रेव है। जैसे ही हम उस बिल्डिंग के गेट के सामने पहुंचे, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे क्यों हॉन्टेड कहा जाता है। बस उस बिल्डिंग को देखने से ही हमारे माइंड में घर वापस जाने के थॉट्स आने लगे। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी। उसमें 2 विंग्स थे जो आसपास में कनेक्टेड थे और हर एक फ्लोर पे काला अंधेरा था। कुछ अपार्टमेंट्स की खिड़कियां खुली थी। मैंने टाइम चेक किया तो रात के 1:30 बज रहे थे। उस बिल्डिंग को देख के ही हम लोग इतना डर चुके थे कि हमें डिल्यूजन्स होने लगे कि कोई हमें विंडोज से देख रहा है। मैं काफी डर चुका था और उस शर्त को पीछे छोड़ वापस घर जाना चाहता था। मैं सोच ही रहा था कि तभी काफी तेज बारिश शुरू हो गई और हम बारिश से बचने के लिए उस बिल्डिंग में चले गए। मैंने सुशील की ओर देखा और सोचा, मैं इसके सामने डरपोक नहीं लगना चाहता हूं। चलो अब बिल्डिंग के अंदर आ ही गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने सिगरेट चलाई और बारिश की ओर देखते हुए सिगरेट पीने लगे। लास्ट पफ लेने के बाद सुशील ने कॉन्फिडेंटली कहा, लेट्स गो। मैंने उसकी ओर डर के नजरों से देखा। वो हंसते हुए आगे बढ़ा और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। हम कॉमन पैसेज में खड़े थे। हमारे लेफ्ट में 2 दरवाजे थे और राइट में 2 दरवाजे, और सामने सीढ़ियां ऊपर और नीचे की ओर जा रही थी। बिना कुछ सोचे हम एक एक करके सारे फ्लोर्स चेक करने लगे। हम कमरे चेक करने लगे कि कहीं कुछ मिल जाए जो हमारे काम की हो या कोई एक्सपेंसिव चीज, पर सारे घरों में बस अंधेरा था और अपार्टमेंट्स पूरी तरह से खाली थे। फिर भी सुशील एक एक करके सारे घर चेक करता गया, पर उसे कुछ नहीं मिला और ना ही कोई डरावनी एक्टिविटीज महसूस हुई। पर जब हम 5th फ्लोर पे पहुंचे, सुशील ने रूम नंबर 501 का दरवाजा खोला। हम अब इन पुराने दरवाजों की आवाज से यूज्ड हो चुके थे, तो दरवाजा खुलते ही सुशील रूम के अंदर खुद गया और इस तरह एक्टिंग करने लगा जैसे उसके हाथों में कोई गन हो। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकता था कि वो डरा हुआ है और इसीलिए स्टूपिड एक्टिंग करके खुद को तसल्ली दे रहा है। वो किसी डिटेक्टिव की तरह रूम में घूमते हुए बोल रहा था, ओ जली हुई औरत का भूत, बाहर आ जा, कहाँ छुपी हुई है। मैं उसकी बकवास सुनते ही गुस्सा हो गया और उसे डांटते हुए कहा, तू पागल तो नहीं है? वो भूत हो या ना हो, एक औरत थी। ये कोई तरीका नहीं है किसी को इंसल्ट करने का। मैंने जैसे ही अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, हमने एक आवाज सुनी।
जैसे कुछ जमीन पे रोल कर रहा हो। हमारे दिल की धड़कन मानो थम सी गई। ये कैसी आवाज थी, मैंने पूछा। शिट, सुशील ने धीमी आवाज में कहा। शायद कोई चूहा हो, मैंने कहा। सुशील जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में टॉर्च की रोशनी में देखने लगा, पर वहां कुछ नहीं था और पूरे कमरे में एक सन्नाटा सा हो गया था। भाई सुशील यार, चल यहां से, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। पता नहीं सुशील को क्या हुआ, उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे टेरेस पर जाना है, वहां बैठकर स्मोक करना है। मैंने काफी समझाया पर वो नहीं माना, तो आखिर मैंने भी हां बोल दिया। हम 7th फ्लोर पर पहुंचे। मैंने सोचा चलो 3 फ्लोर और फिर टेरेस आ जाएगा। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों ये ख्याल आया, मैं 7th फ्लोर के पैसेज से 5th फ्लोर के पैसेज की ओर देखने लगा। जो मैंने देखा वो देख मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगा। मैंने देखा एक येलो लाइट जैसे कुछ जल रहा हो, उसकी रोशनी 5th फ्लोर से निकल रही थी। मैंने चिल्लाते हुए सुशील को नीचे देखने कहा, पर वहां पूरी तरह अंधेरा था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।